हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आइसोमेरिज्म। बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म होता क्या है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। बच्चों जब किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आइसोमर कहलाते हैं, और उनका ये जो अलग अलग होने का रीजन है, जो ये फिनोमेना है, ये आइसोमेरिज्म कहलाता है। क्लियर नहीं हुआ, एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O दिया हुआ है, इसके लिए हम दो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये दोनों आइसोमर होंगे। अगर ये दोनों आइसोमर हैं तो बच्चों इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो क्रॉस एग्जामिन जरूर करेंगे। C2H6O इज द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस स्ट्रक्चर 1 में बेटा दो कार्बन दिखाई दे रहे हैं और 6s दिखाई दे रहे हैं और एक O है, तो ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। स्ट्रक्चर 2 में दो कार्बन है और H आप काउंट कर सकते हैं 3-5 और 1-6 और सिंगल O है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इट मींस बोथ स्ट्रक्चर्स आर आइसोमर्स। क्लियर है बच्चों, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है इसीलिए तो आइसोमर्स हैं। क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी? तो जवाब है नहीं, इनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। तो आइसोमेरिज्म बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक स्पेशल फीचर होता है, और स्पेशल फीचर होने की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ये जितने भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ये सब आइसोमर कहलाएंगे और इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ध्यान जरूर रखिएगा। Isomerism in organic compounds is a characteristic feature. अभी डिस्कस किए थे सर, स्पेशल फीचर होता है, होगा ही होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही मेनली होती है आइसोमेरिज्म। बच्चों नेक्स्ट लेते हैं, आइसोमर्स वेरी इन देयर प्रॉपर्टीज लाइक बीपी एमपी रिएक्शन रेट एटसेट्रा। इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, क्लियर है आपको। चुप लेते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि आइसोमेरिज्म मेनली टू टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वो डिस्कस नहीं करेंगे, वो हायर क्लासेस में आएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों नाम से ही चल रहा पता, चेन आइसोमेरिज्म यानी कि ऐसे आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे लेकिन उन आइसोमर की जो चेन होगी उन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं, When isomers have different number of carbon in chain, बच्चों एक molecular formula C4H10 दिया है, हमको चेक करना है कि क्या ये chain isomerism दिखाएगा। तो हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, दो स्ट्रक्चर प्लॉट किए हैं, पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है। बच्चों दोनों कंपाउंड को अगर चेक करें तो molecular formula दोनों स्ट्रक्चर का, दोनों कंपाउंड का सेम ही आता है। इसका मतलब हुआ ये कि स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 दोनों आइसोमर है, पर सवाल ये है कि सर कौन से आइसोमर है। मैंने कहा कि सर चेन आइसोमर है, अगर ये चेन आइसोमर है तो दोनों कंपाउंड के अंदर कार्बन की चेन अलग अलग कार्बन वाली होनी चाहिए। आइए बात करते हैं, यहां पे देखिए 1, 2, 3, 4 इस चीज पहले स्ट्रक्चर की चेन में चार कार्बन आते हैं लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर की जो चेन है उसमें केवल तीन कार्बन आ रहे हैं, 1, 2, 3। तो आप देख पा रहे हैं दोनों कंपाउंड अलग अलग है, दोनों आइसोमर अलग अलग है, क्योंकि दोनों के अंदर कार्बन चेन के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन है, इसलिए कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं पोजिशन आइसोमेरिज्म की। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पोजिशन आइसोमेरिज्म। बच्चों नाम से ही चल रहा पता कि वेरी करेंगे आइसोमर्स पोजीशन में किसकी, आइए देखते हैं। व्हेन आइसोमर्स हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, बच्चों इन चारों की पोजीशन अलग अलग होगी। आइए एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। C3H7Cl मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं। पहला सवाल कि क्या ये आइसोमर है। बच्चों अगर ये दोनों आइसोमर है तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl ही होना चाहिए, तो क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए। ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर हैज
molecular formula C3H7Cl. तो yes, these two are isomers. अब सवाल ये उठता है कि कौन से isomer हैं? तो देखिए कि इनका अलग-अलग होने का reason क्या है? इन दोनों structure में क्या difference है? जो difference का होगा, वही होगा उसका नाम, यानी वही होगी उसकी isomerism. यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर ये Cl जो है बच्चों prefix लगा हुआ है Cl, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, तो Cl की position check कीजिए. पहली बात कि इस compound में कितनी carbon की chain है? 3 carbon की chain है. इसमें भी आप देख पा रहे हैं 3 कार्बन की चेन है. दोनों स्ट्रक्चर में, दोनों आइसोमर में चेन के अंदर कार्बन का नंबर सेम है, तो ये चेन आइसोमर नहीं हो सकता. इन दोनों में अलग-अलग होने का रीजन है कि यहां पर Cl जो है वो पहले कार्बन पे लगा है. काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3. फर्स्ट पोजीशन पे Cl लगा है. अगर हम इधर से कर लें या इधर से कर लें, कहीं से भी काउंटिंग शुरू करें, 1 2 3, Cl को दो ही नंबर मिलेगा. तो इसमें जो Cl की पोजीशन है वो सेकंड है, पहले वाले में फर्स्ट पोजीशन है. दैट्स व्हाई दीस टू आर नोन एज पोजीशन आइसोमर्स, और ये फिनोमेना कहलाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म. क्या ये क्लियर है आपको? चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं. अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म. व्हेन आइसोमर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. आइए देखते हैं. एग्जांपल लिया हुआ है C2H6O. इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए यहां पे दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं. आप देखिए पहला है CH3CH2OH और दूसरा है CH3OCH3. तो बच्चों आप ध्यान से देखिए तो दोनों स्ट्रक्चर का, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. क्लियर है? जब दोनों कंपाउंड का, दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो स्ट्रक्चर 1 और 2 आइसोमर कहलाएंगे. सर अब सवाल यह है कि ये आइसोमर कैसे हैं? तो आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में कार्बन का नंबर सेम है, लेकिन यहां पर OH लगा हुआ है और यहां पे ये O लगा हुआ है. इथीरियल ऑक्सीजन बोलते हैं. तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है अल्कोहलिक, और बच्चों ये कहलाता है हमारा अल्कोहलिक कहलाता है, और ये बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा इथीरियल कहलाता है. क्लियर है? इथीरियल कहलाता है. तो आप देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों आइसोमर का अलग-अलग होने का रीजन है फंक्शनल ग्रुप का अलग-अलग होना. दैट्स व्हाई दे विल बी नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स. नेक्स्ट है बच्चों मेटामेरिज्म. When isomers have different number of carbons on either side of the polyvalent functional group. बच्चों functional group जो होता है वो monovalent और polyvalent होते हैं. अगर उसमें एक valency है, आप देख पा रहे हैं कि OH में एक ही valency है, तो ये कहलाएगा monovalent. लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ethereal oxygen जो है इसकी दो valency है, left भी bond बना रहा है और right भी bond बना रहा है, तो ये bivalent functional group है. इसकी वैलेंसी एक से ज्यादा है. बच्चों मेटामेरिज्म तब होती जब आपके पास पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है. तो यहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6O दिया हुआ है, उसके लिए दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं. इन दोनों आइसोमर को ध्यान से देखिए तो मालूम पड़ेगा कि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, और इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, कार्बन नंबर वेरी कर रहा है. पहले वाले में दो कार्बन लेफ्ट में और राइट में दो कार्बन है. आप देख पा रहे हैं आइसोमर 2 के अंदर लेफ्ट में एक कार्बन है और राइट में 3 कार्बन है. तो दोनों आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में कार्बन का नंबर वेरी कर रहा है, तो ये आइसोमर कहलाएंगे मेटामर्स, और ये फिनोमेना कहलाएगा मेटामेरिज्म. अब है बच्चों लास्ट टाइप, फिफ्थ टाइप होता है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, जिसका नाम है टोटोमेरिज्म. बच्चों इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म. ये आपके कोर्स में नहीं है, एक्चुअली ये भी आपके कोर्स में नहीं है, बट ये आपको आना चाहिए. तो आप ये तीन यहां तक, ये बच्चों ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हायर क्लासेस में होगा. अब तक 5 में से मैंने 4 टाइप डिस्कस किए हैं. चारों को समझना और बनाना इजी है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, इसको डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में. सो दिस वाज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म. क्लियर हुआ? ब्रीफिंग बार फिर से करें. सर ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर, क्लियर हुआ बच्चों? सो दिस वाज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. आइसोमेरिज्म बच्चों दो तरह की होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 तरह की होती है, हमने 4 टाइप डिस्कस किए हैं. क्या ये आपको क्लियर है? बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर बनता है. अब नो टेंशन, क्योंकि आ गया है केमिस्ट्री जंक्शन.